अन्ना द्रमुक का एनडीए से बाहर निकलना और लोकसभा चुनाव के लिए नए मोर्चे की गठन की घोषणा करना निश्चित रूप से भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में तीसरी बार वापसी की रणनीति बना रही है। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम का असर तमिलनाडु की राजनीति पर पड़ सकता है और द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन को छोटी पार्टियां ज्यादा सीटें पाने के लिए अन्ना द्रमुक के साथ सौदेबाजी कर सकती हैं। इससे कांग्रेस भी प्रभावित हो सकती है। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर ये सब होता है तो इससे विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर भी असर पड़ सकता है, जिसके नतीजतन तमिलनाडु में द्रमुक कांग्रेस के बीच गठजोड़ भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में अगर तमिलनाडु की राजनीति में उथल पुथल और भ्रम की स्थिति बनी रही तो जाहिर है कि इसका फायदा राज्य में सत्तारूढ़ दल यानी एमके स्टालिन की द्रमुक को मिलेगा। जयललिता के शासनकाल में अन्ना द्रमुक भाजपा का एक भरोसेमंद और विश्वसनीय सहयोगी रहा है, जिसने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का समर्थन किया। जयललिता ने अन्ना द्रमुक के चुनावी घोषणा पत्र में इसे शामिल भी किया था। अन्ना द्रमुक समान विचारधारा वाली ऐसी पांचवी पार्टी है जो एनडीए से बाहर हुई है। अकाली दल, शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड, ये सभी पार्टियां हैं जो पहले अपना समर्थन दे रही थी और फिर अचानक वापस लिया। नरेंद्र मोदी सरकार से खुद को किसी न किसी मुद्दे पर इन्होंने अलग किया था। निश्चित रूप से इसने एनडीए को प्रभावित किया है। अन्ना द्रमुक द्वारा भाजपा से रिश्ता खत्म करने के बारे में कई कारण बताए जा रहे हैं और इस कहानी में अभी कई मोड़ आएंगे भी, तो इस बात की भी पूरी संभावना है कि अगले एक महीने में तमिलनाडु की राजनीति में काफी बदलाव आएगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया में भी एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। यदि कांग्रेस को 20 लोकसभा सीटों की पेशकश की जाती है तो वो अन्ना द्रमुक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, तो ऐसे में द्रमुक के अध्यक्ष एमके स्टालिन क्या करेंगे? नई दिल्ली में भाजपा नेताओं ने अन्ना द्रमुक पर आरोप लगाया कि वो सनातन धर्म वाले मुद्दे पर चुप रही। अमित शाह ने पलानी स्वामी से स्पष्ट रूप से कहा था कि अन्ना द्रमुक द्वारा उदयनिधि स्टालिन की आलोचना करते हुए एक प्रेस बयान जारी किया जाए, लेकिन अन्ना द्रमुक ने भाजपा और एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ने के पीछे कुछ और ही वजह बताए हैं। सूत्र बताते हैं कि अन्ना द्रमुक चाहती थी कि भाजपा अपनी तमिलनाडु इकाई के प्रमुख के अन्नामलाई को पद से हटाए या उन पर अंकुश लगाए, लेकिन जब भाजपा ने ऐसा करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो अन्ना द्रमुक ने एनडीए से रिश्ता खत्म करने की घोषणा कर दी। अब खबर ये भी है कि अन्ना द्रमुक इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते अन्ना द्रमुक के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और भाजपा नेता के अन्नामलाई को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग भी की थी, क्योंकि पिछले दिनों अन्नामलाई ने द्रविड़ नेता सीएन अन्नादुरई के खिलाफ एक आलोचनात्मक टिप्पणी की थी, लेकिन भाजपा अध्यक्ष ने मांग को सिरे से खारिज कर दिया। इस तरह से अन्ना द्रमुक सीट बंटवारे को लेकर नहीं बल्कि राज्य भाजपा प्रमुख द्वारा अपने संस्थापकों के अपमान की वजह से एनडीए गठबंधन से अलग हो गई। अब आपको बता दें कि ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अन्ना द्रमुक शामिल हो सकती है इंडिया गठबंधन में और इसके लिए कोशिशें और कवायदें की जा रही है शरद पवार के जरिए। भाजपा के सूत्र बताते हैं कि अन्ना द्रमुक के इस कदम का उद्देश्य अल्पसंख्यक मतों को लुभाना है। भाजपा को अब भी उम्मीद है कि अन्ना द्रमुक अपने फैसले पर फिर से विचार करेगी और एनडीए गठबंधन में बनी रहेगी। आश्चर्य की बात यह भी है कि नई दिल्ली में भाजपा के कुछ शीर्ष नेता अब भी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि अन्ना द्रमुक एनडीए में लौटेगी। पर्दे के पीछे उसे मनाने की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ सूत्र बताते हैं कि अन्ना द्रमुक पूरी तरीके से संपर्क में हैं शरद पवार के। जल्द ही एक शीर्ष स्तर पर भाजपा नेता बातचीत भी करेंगे, चेन्नई पहुंचेंगे। यदि भाजपा अन्ना द्रमुक को एनडीए में लाने में विफल रहती है तो भाजपा 2022 में हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लाए गए प्रस्ताव पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें कहा गया था कि पार्टी दक्षिण भारत में 6 राज्यों में 50 लोकसभा सीटें हासिल करने पर जोर देगी। भाजपा की अपनी अलग रणनीति है दक्षिण को लेकर, लेकिन अगर अन्ना द्रमुक भी साथ आ जाती है इंडिया गठबंधन के तो ये भाजपा के लिए दक्षिण में मुश्किलें बढ़ाने जैसा होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी
अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।